हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने अफर्मेटिव बताया है जिसका वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, ज़्यादा मैंने समझा दिया था, तो इसलिए नेगेटिव को काट करके मैंने सेकंड वीडियो में कर दिया है। तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। अब यह आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले वाला वीडियो देखेंगे तब, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उसके लिए पहले के लिए आपका वर्ड ऑर्डर है। पहले अगर आपके वाक्य में ये वाला वर्ड आता है तो उसके लिए जो आपका वर्ड ऑर्डर यानी कि फार्मूला बनता है वो ये बनता है। उसमें क्या था, ये वाला वर्ड नहीं था, नॉट यही था, इसमें नॉट जुड़ गया और कोई इसमें बदलाव नहीं आया, सिर्फ बस यही नॉट जुड़ गया है। ओके, तो बता रहे हैं कैसे, चलिए देखते हैं। हमारा है सब्जेक्ट पहले, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, मैंने, ठीक है, क्योंकि आपको पहले सेकेंड वाले सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। तो सब्जेक्ट आपका है मैंने, तो लिखना यहाँ पर आई हैड है, तो हैड नॉट है नॉट, वर्क का जो आपका थर्ड फॉर्म है तो खरीदना का जो थर्ड फॉर्म होगा आपका पार्ट होगा क्या होगा, सोल्ड होगा, सॉरी बात होगा आई हैड नॉट बॉट, यानी कि आपका वर्क का जो थर्ड फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, यानी कि किताब आपका ऑब्जेक्ट है। आई हैव नॉट बॉट द बुक, ठीक है। अब आगे क्या है, बिफोर, आपको लिखना है बिफोर। ये बात आप समझे नहीं कि आपको जब बिफोर आएगा ये वाला, अगर फार्मूला में आपका बिफोर शब्द आता है या फिर वाक्य में ये वाला शब्द आता है तो पहला वाला सेंटेंस बनाते समय आपका हैड लगेगा, और हैड जब लगेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इट इज कंपलसरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, बिफोर के बाद आपका होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे यानी कि यू वर्ब का सेकंड फॉर्म है पहुंचना, पहुंचना का जो सेकंड फॉर्म होगा वो आपका रेस्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, रेस्ड इन मार्केट, मार्केट, ठीक है। तुम्हारे बाजार पहुंचने से पहले हमने, मैंने किताब नहीं खरीदा था। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जब आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर वाक्य में पहले शब्द आता है तो पहले वाले सेंटेंस में बनाते समय हैड लगेगा, और जब हैड लगेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके साथ लगेगा। इसको आपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए सेकंड जानते हैं कि अगर वाक्य में ये शब्द आता है, बाद शब्द आता है, तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा, कैसे मतलब बनेगा। चलिए वर्ड ऑर्डर में बता रहा हूँ, ऐसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हैड था, यहाँ पर आपको डिड करना पड़ेगा, डिड या नॉट है तो नॉट, ठीक है। वर्ब का या थर्ड फॉर्म है, मैंने बताया था कि जब भी आपका डिड आएगा तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस में, ठीक है, पास्ट इनडेफिनिट टेंस में डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है नेगेटिव में। प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद में बिफोर है यहाँ, क्योंकि अब आफ्टर लिखना है, बाद शब्द है इसलिए हमको आफ्टर लिखना है, प्लस आफ्टर, आफ्टर हो गया। एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मतलब सब्जेक्ट लिखो, फिर यहाँ क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने बताया था इधर वाला जो आपका पास्ट इंडिफिनिट का है फार्मूला, अब हमको पास्ट परफेक्ट का बनाना है, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का फार्मूला हमने यहाँ लिख दिया है। अब इधर वाला जो फार्मूला बनेगा, आफ्टर के जो बाद फार्मूला बनता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखने को मिला कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, नॉट एक बार लगेगा वो भी पहले वाले सेंटेंस के फार्मूले में लगेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं, लिखा है सब्जेक्ट, लिखते हैं पहले हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहाँ से देखिए हम है, और हम का अंग्रेजी होता है वी, ठीक है। फिर लिखना है डिड नॉट, तो डिड नॉट, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गया, गया का जो अंग्रेजी होगा गो होगा, गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, घर, गो टू होम, मतलब हम घर नहीं गए थे। उसके बाद में क्या है, आफ्टर, आफ्टर वर्ड लिखिए, आफ्टर। सब्जेक्ट क्या है, अब यहाँ से जो आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा वो यहाँ फर्स्ट वाले सेंटेंस से शुरू होगा, अध्यापक, ठीक है। तो लिखो द टीचर,
टीचर हैड लिखा है तो हैड लिखो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो लिखना ही पड़ेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अब यहाँ देखते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है। वर्ब यहाँ पर जो है आपका यानी कि क्रिया है पढ़ाना, और पढ़ाना का जो थर्ड फॉर्म होता है टाट होता है, टाट। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट है टाट, यानी कि टाट द लेसन, टाट द लेसन। समझना इस बात को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ टेड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और जब सेंटेंस में बाद शब्द होगा तो बाद शब्द में ऐसे कंडीशन में जो है इधर वाला सेंटेंस जो आपका बनेगा वो पास्ट इंडिफिनिट का बनेगा, और अगर यहाँ शब्द पहले हो तो इधर वाला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में बनेगा, इंट्रोगेटिव। चलिए देखते हैं, तो आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इट्स नॉट टाइम, ठीक है, इट्स नॉट टाइम में समझिए क्या होता है। इसके पहले जो मैंने फार्मूला बनाया था, सब्जेक्ट हैड नॉट था, सब्जेक्ट हैड नॉट था, मैंने इस तरह का फार्मूला बनाया पिछले वाले वीडियोस में बताया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सब में लगभग बताया है कि फार्मूला बनता कैसे है, अफर्मेटिव को नेगेटिव कैसे करते हैं, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव एसनो टाइप कैसे करते हैं, और इंट्रोगेटिव एसनो टाइप को इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एच टाइप कैसे बनाते हैं, ये जो रूल है मैंने बता दिया है। इसीलिए देखिए यहाँ से हैड को उठा करके आगे कर दिया हूँ हैड, ठीक है, तो हैड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। एंड नाउ अब इसको कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। लिखा है हैड, पहले लिखना है हमको हैड, ओके ठीक। अब क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर लड़के, ठीक है, यहाँ से हमको लिखना है सेकंड वाले सेंटेंस से, तो लड़के हैड द चिल्ड्रेन, तो हैड द चिल्ड्रेन मतलब चिल्ड्रेन या बॉयज, ठीक है, बॉयज मीन्स लड़के, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, तो लड़के सब्जेक्ट हो गया आपका। नॉट लिखना है, नॉट यानी कि नहीं शब्द इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का जो आपका थर्ड फॉर्म है तो यानी कि सब्जेक्ट हो गया, नॉट शब्द लगाना नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब क्या है खेलना, और खेलना का जो थर्ड फॉर्म होगा वो प्लेड होगा, प्लेड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लेड द क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। फिर हमको लिखना है बिफोर शब्द, बिफोर वर्ड, बिफोर सब्जेक्ट। हाँ ये जो वर्ड्स लिखे अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो जो कमेंट करके पूछ लेना कि सर जी उसमें क्या वर्ड लिखा है, ठीक है। वैसे कोई कोई चीज़ जो है थोड़ा ऐसे लिख रहा है मेल करके, तो सब्जेक्ट बिफोर हो गया, बिफोर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कहाँ से, यहाँ से शुरू होगा, तो मेरे का अंग्रेजी होगा आई, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म रीच, रीच का रीच्ड होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इन द फील्ड मतलब मैदान में, इन द फील्ड, ये आपका बन गया, ठीक है। अच्छा इसका जो बाद के लिए यही वाला स्नो टाइप सेंटेंस, यहाँ जो मेरे मैदान है ना, इसको ये वर्ड समझ लेना कि मेरे मैदान का अर्थ ये नहीं है कि वो जो मैदान है वो मेरा है, अर्थात मेरे मैदान में पहुँचने से पहले, इस मेरे का मतलब है कि मैं मैदान में पहुँचने से पहले, मतलब मेरे मुझे मैदान में पहुँचने से पहले, इसका अर्थ ये है, इस मेरे मैदान का अर्थ ये नहीं कि वो जो मैदान है मेरा है, ये अर्थ नहीं है, ठीक है। चलिए अगला जानते हैं इसका कैसे आपका फार्मूला बनेगा। अगर इसी वाक्य में, इस नो टाइप वाले सेंटेंस के वाक्य में अगर ये वाला वर्ड आता है तो उसका फार्मूला कैसे बनेगा। यहाँ हैड है, यहाँ डिड है, यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट करो प्लस, यहाँ नॉट है, नॉट करो। तो नॉट था, यहाँ नॉट कर दिया, वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म है, लेकिन मैंने बताया कि डिड के साथ आपका जो डिड है, डिड के साथ, तो नॉट हो गया। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आपको वर्ब लिखना है तो वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिखो प्लस बिफोर है यहाँ, क्यों तो पहले था तो बिफोर लगा, यहाँ बाद है तो यहाँ आफ्टर लगेगा, ठीक है, आफ्टर हो गया। प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखो। अब देखिए इस वाले में फॉर्मूले में हैड कहीं नहीं लगा है, तो अभी तक आपका हैड लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका, ठीक है। अगर बाद है तो हैड इधर लगेगा, और पहले है तो हैड इधर लगेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। देखो
अब हमको लिखना है डिड, लिख दिया डिड, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, लड़कियों, तो डिड द गर्ल्स, डिड द गर्ल्स। उसके बाद में नॉट, यहाँ नहीं शब्द है इसलिए यहाँ नॉट लगेगा, नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आपका क्रिया जो है, गाना का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो सिंग होगा। प्लस ऑब्जेक्ट है गीत, द सॉन्ग। डिड द गर्ल्स नॉट सिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग। प्लस आफ्टर, आफ्टर लिखना है आपको, ये या आफ्टर सब्जेक्ट। अब आपका ये जो सब्जेक्ट होगा यहाँ से शुरू होगा, बच्चों, ठीक है। एंड आफ्टर द चिल्ड्रेन, यानी कि सब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रेन, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रेन, अब हैड लिखना है, तो लिखो ऐसे हैड। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया आपका क्या है, डांस करना, तो डांस का जो थर्ड फॉर्म होगा वो डांस्ड होगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बनके तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट जो आपका यूसनो टाइप मैंने बता दिया है, आपका जो डब्ल्यू एच टाइप होगा वो कैसे बनेगा, ये बात मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, बता दिया है, और उसको जानने के लिए आप पिछले वीडियो में जा करके देखिएगा कैसे बनता है। और इसमें इस वाले मतलब पूरे टेंस में, इस वाले पार्ट में और पिछले वाले पार्ट में जो भी बात समझ में ना आई हो या कोई कमी अगर आपको नज़र आ रही है, तो उसको आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।